थंबनेल पढ़कर अंदर आ गए हो ना कि यार सुहानी क्या बताने वाली है। क्यों कह रही है कि शाहरुख खान का प्यार अलग है सैफ अली खान के प्यार से। ना गलत समझ रहे हो तुम, यहाँ पर गौरी भाभी और करीना कपूर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। यार खबर आ रही है कि सैफ अली खान जो फाइटर के डायरेक्टर है ना सिद्धार्थ आनंद, ये दोनों साथ में मिलकर एक एक्शन थ्रिलर ज्वेल थीफ बना रहे हैं। अब फिल्म में क्या होने वाला है इस पर तो अलग से एक वीडियो बना दूंगी ना यार तुम्हारे लिए। तुम पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और तुम देख रहे हो क्या सुहानी को यार फिल्मी जाट गर्ल पर। यार सैफ का नाम लेते ही ना मुझे उनकी हम तुम याद आ गई है। अब तुम ये मत कहने लग जाना कि 20 साल पूरे हो गए सुहानी इसलिए याद आई है। ना यार उसमें ना सैफ का प्यार अलग ही था। यार मेरा नमन हो गया सैफ को दोबारा से रोमांस करते हुए देखूं। यार तुम मेरी खुशी में टांग अड़ा देते हो ना, तुम आपस से कह रहे हो कि सुहानी यार उनकी एक्शन फिल्म आने वाली है, शायद उसमें उनका नेगेटिव रोल भी हो सकता है देवरा जानवी कपूर के साथ। मान लिया यार कि हो सकता है नेगेटिव कैरेक्टर हो सकता है कि हमें एक्शन करते हुए नजर आए, पर यार एक बात तो माननी पड़ेगी, उनका रोमांस अलग होता है। अब तुम मुझे ये मत कहने लग जाना कि तुम उसकी ओमकारा और रेस जैसी फिल्मों को भूल गई जहां पर भरपूर एक्शन मिला था, एक अलग ही अंदाज देखने को मिला था। मैं मान रही हूँ यार कि ये बंदा नेगेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले करता है, लेकिन यार मेरे लिए तो सैफ अली खान वो है जिसने लव आजकल में काम किया है, जिसने ये हम तुम में काम किया है, जिसने कॉकटेल में काम किया है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या है सैफ में, तो भाई देखो सलमान शाहरुख की जितनी भी लव स्टोरीज आती हैं उनमें हीरोइन एकदम पागल हो जाती है उनके प्यार में, मतलब लास्ट में तो अमरीश पुरी को कहना ही पड़ता है जा सिमरन जा, नहीं तो सिमरन इतना आंसू से नदियां बहेगी कि भाई मजबूरी में पिता को कहना ही पड़ता है जा यार जाके अपने प्यार के पास चली जा। इनकी जो लव स्टोरीज होती है ना सलमान शाहरुख की, उनमें एक ही फंडा होता है कि हीरोइन ना लड़के के प्यार में पागल हुई है, बस उसका एक ही मकसद है लास्ट में शादी करना। अब वहीं अगर सैफ की बात करें तो देखो ऐसा वाला प्यार तो नहीं था ना हम तुम में, याद है ना कि दोनों में वन नाइट स्टैंड होता है लेकिन शादी दूर दूर तक होने वाली नहीं होती है, दोनों लड़ते झगड़ते रहते लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में प्यार था। सैफ के फिल्मों वाला प्यार अलग होता है, यहाँ पर लड़की को भी उतना ही स्क्रीन टाइम और उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया जाता है जितना किसी लड़के को दिया जाता है। सैफ के हिंदी फिल्मों में जिस तरीके का प्यार होता है वो हिंदी फिल्मों यानी बॉलीवुड में कोई हीरो उस तरीके से प्यार कर ही नहीं पाता यार। अरे अपने रोमांस किंग एसआरके यानी शाहरुख खान भी नहीं। अच्छा तुम्हें तो याद ही होगा हम तुम का वो गाना, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से लड़की क्यों न जाने क्यों। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ, इस फिल्म में सैफ अली खान को अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला था यार, और वो ये फिल्म थी जिसने भारत में रोमांस वाली कॉमेडी फिल्म शुरू की थी। मेरे ख्याल से रोमांस कॉमेडी या रोमकॉम का जो चलन हुआ था ना वो यही फिल्म ढंग से लेकर आई थी, और हम तुम के बाद सैफ अली खान इस टाइप की फिल्में लेकर आते रहे, सलाम नमस्ते तारारम पम पम। अब तुम बोलोगे यार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा इतना नहीं किया, हाँ मानती हूँ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइप के जॉनर में किसी और ने काम किया। और साथ ही साथ एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जितनी भी फिल्में है ना इसमें सैफ बड़े क्यूट से लग रहे हैं। और इसके बाद साल 2009 में उनकी फिल्म आई थी लव आजकल, क्या फिल्म थी यार, हम सब ने कितना प्यार दिया था उस फिल्म को। जिस तरीके से सैफ दीपिका के बीच का जो प्यार था ना वो बहुत ही शानदार था। इस फिल्म का सीक्वल भी आया था, याद है ना, इस फिल्म के बाद दीपिका पादुकोण के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी कॉकटेल 2012 में, दीपिका पादुकोण और डायना वेंटी के साथ। उस फिल्म में पता चला था कि क्या होती है मस्ती, क्या होती है दोस्ती और क्या होता है प्यार। इन तीनों की केमिस्ट्री काफी मजेदार थी और इस मूवी के गाने सबने वाइब किया था हमने मिलकर। यार ये शाहरुख वाला प्यार नहीं था कि लड़की पागल हो घूम रही है शाहरुख खान के पीछे, शादी नहीं कर रही है, रो धो रही है, ये सारी चीजें शाहरुख खान की फिल्मों में होती है ना। सैफ अली खान की फिल्मों में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाए जाते हैं लड़कियों के। ये फिल्म तो मल्टीप्लेक्स के लिए बनी थी और हीरो भी एकदम मल्टीप्लेक्स वाला था। आज यही पहचान ना सैफ की है, नहीं तो इसके पहले कितनी सारी फिल्में बनी थी, कल हो ना हो जैसी, जो शाहरुख खान के प्यार करने का तरीका है। मैं तो यही कह रही हूँ कि शाहरुख का प्यार गलत नहीं है, लेकिन यार सैफ का प्यार तो सैफ वाला प्यार है। मुझे यार ये समझ में नहीं आता कि इस तरीके की हिंदी फिल्में क्यों नहीं बनती है और ज्यादा, जहाँ पर सैफ वाले प्यार को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अब तुम ये मत कहने लग जाना कि जब भी मेट आई थी, हाँ आई थी लेकिन उस टाइप की नहीं थी, उस चीज को टक्कर नहीं दे पा रही थी सही से। वैसे यार सैफ के प्यार का एक और नमूना मैंने देखा था, परिणीता क्या फिल्म थी यार,
विद्या बालन का डेब्यू इसी फिल्म से हुआ था और शायद ही किसी ने इतना ग्रैंड डेब्यू किया हो बॉलीवुड में, एक बंगाली बाबू के रोल में साफ धोती कुर्ता पहनकर एकदम, और एक हाई फाई क्लास वाले पियानो बजाते हुए अंग्रेजी गाने गाते हुए। गाड़ियों में घूमने वाले सैफ जिस तरीके से अपनी पड़ोस वाली लड़की से प्यार करते हैं ना, मतलब यार सीरियसली ये मूवी का क्लास ही अलग था। मैं सैफ अली खान के इस टाइप की मूवीज को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, पर लव आजकल और परिणीता जैसी एक फिल्म तो बनती है ना सैफ भैया, बस इंतजार है इसी बात का। बाकी आप बताओ, आपको ये सैफ वाला जो प्यार है ये कैसा लगता है? वैसे आजकल हम लोग भी ना कुछ इसी टाइप का प्यार करते हैं और इसी टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं। ये फैंटेसी वाला जो प्यार है ना शाहरुख खान वाला, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है समटाइम्स, ऐसे वाला प्यार आजकल कोई नहीं करता। बाकी तुम बताओ मुझे कि तुम्हें किसका प्यार ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कि किसकी फिल्में रोमांटिक फिल्में ज़्यादा अच्छी लगी। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।